नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज मैं करदम रावल आपका दोस्त रोज की तरह आपके लिए लेके आया हूँ द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 15 दिसंबर 2018, हफ्ते का लास्ट डे है सैटरडे, और हम कहते हैं वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो यहाँ पर हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एथिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के 9 सब्जेक्ट्स के प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारियाँ एक साथ हो सके। इसके साथ ही हमने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करते हुए 300 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर 350 से भी अधिक लेक्चर के अंदर एक वीडियो कोर्स डिजाइन किया है, जहां पर आपको खुद को टेस्ट करने के लिए मिलेंगे 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और हर महीने आपके आसपास जो भी घटनाएं घट रही है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसको कवर अप करता हुआ मंथली करंट अफेयर का मटेरियल भी आपको दिया जाएगा आपके अकाउंट के अंदर पीडीएफ के रूप में। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो है 2019 की मेंस एग्जामिनेशन तक, यानी कि आप जो है इसको प्रीलिम्स के बाद मेंस में भी यूटिलाइज कर पाओगे, चाहे वो वीडियो को देखना हो या पीडीएफ को डाउनलोड करना हो या फिर उसको वहीं पर पढ़ना हो। सारी चीजें यहाँ पर विदाउट एनी काइंड ऑफ हिडन टर्म्स एंड कंडीशन या फिर रिस्ट्रिक्शन पॉसिबल है। अनलिमिटेड टाइम रिविजन यहाँ पर पॉसिबल, और इसी के ऊपर हम कहते हैं कि ये जो कोर्स है वो आपके आसपास हो रहे ऑफलाइन क्लासेस के मुकाबले बेहद बढ़िया चॉइस है। और ये जो है आप पूरी की पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं, वाइल ट्रैवलिंग, वाइल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आप कहीं पर भी जो है इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और ये जो है डिजिटल इंडिया की ओर एक नया कदम है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो आपके पास क्या ऑप्शंस है। आपके पास जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेंगे 2 मोबाइल नंबर, वहां पर आप कॉल करके भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो हमारी वेबसाइट www.upscisexams.com पर जाके भी जो है पूरी डिटेल ले सकते हैं। यहां पर जो है आपको हमारे डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। लेट्स सी व्हाट्स द रोड मैप ऑफ आवर दिस वीडियो लेक्चर। वी विल स्टार्ट विद अ मोटिवेशनल कोट, जिसे हम कहते हैं आज का मंत्र। Then we will see the vocabularies, जहाँ पर आपको 10 अंग्रेजी के शब्द हिंदी और अंग्रेजी मतलब के साथ में दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है इसको आप essay writing और answer writing के अंदर यूटिलाइज कर पाओगे by interchanging those words। उसके बाद आपको मिलेगा आज का ज्ञान, यानी कि फन फैक्ट। यहाँ पर 2 ऐसे टॉपिक्स जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, जो एग्जाम व्यू पॉइंट से करंट अफेयर के सेगमेंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। Then we will analyze The Hindu editorial article. Number 1 is end of Sri Lanka's crisis. तो यहाँ पर श्रीलंका के अंदर जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर और जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, उन तीनों के बीच में जो भी समस्याएं चल रही थी उसके अंदर पार्लियामेंट का किस तरीके से रोल रहा और किस तरीके से वहाँ की कोर्ट का रोल रहा, इन सभी मुद्दों के ऊपर यहाँ पर जो है डिस्कशन दी गई है। अब जो है फाइनल सॉल्यूशन आ चुका है, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स निकल के आए हैं। दूसरा जो है नेगेटिव सिग्नल्स ऑन फॉलिंग इन्फ्लेशन रेट्स। तो इन्फ्लेशन जो है वो पहले अगर बहुत ज़्यादा होता है तो कोई उसे पसंद नहीं करता, और माइल्ड इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी की हेल्थ के लिए बेस्ट होता है। लेकिन अब जो है इंडिया का इन्फ्लेशन रेट काफ़ी घट रहा है और काफ़ी तेजी से घट रहा है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आया है कि ये जो है वो नेगेटिव सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। कैसे, क्यों, इसको समझने की कोशिश करेंगे, पूरा डिकोड करेंगे। इकोनॉमी के एस्पेक्ट से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कसेबल है। अंत में आपको मिलेगा क्वेश्चन आंसर सेशन, जहाँ पर पिछले एडिटोरियल में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर और एक नया सा क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट इज द मोटिवेशनल कोट of today. No matter the situation, never let your emotion overpower your intelligence. तो यहाँ पर जो है अपनी सिचुएशन को हर बार दोष मत दीजिए, और उसके ही इर्द गिर्द आके आप जो है अपने इमोशंस के ऊपर भी जो है बह मत जाइए। बस जो है आपने जो डिसाइड किया है उस चीज को जो है डेडिकेटेडली और बर्निंग डिजायर के साथ उसके ऊपर अड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी को अगर क्रैक करना है तो जीवन के अंदर कितनी भी सारी समस्याएं और आपदाएं हो उन सबको आपको ओवरकम करना सीखना ही होगा। चाहे कोई भी मैटर हो, कोई भी सिचुएशन हो या फिर कैसे भी हालात और इमोशंस हो, आपको जो है हर कष्टी अपनी कष्टी को हर जो है परिस्थितियों का सामना करवा के जो है उस पार जाना ही है। इसीलिए हम इस चैनल के माध्यम से आपको हर बार कहते हैं कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अब ये जो अंग्रेजी के वर्ड है
आप इसको इंटरचेंज करके एक दूसरे के साथ यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर वीडियो को पोज कर सकते हैं या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको अपनी नोट्स या डायरीज के अंदर नोट डाउन कर सकें। और यहाँ पर आशा करते हैं कि आप जो है इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए होंगे और आप जो है इसके सेंटेंस बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से वर्ड आए हैं यहाँ पर। ह्यूमिलिएटिंग यानी कि अपयशपूर्ण के लिए आप इग्नोमिनियस वर्ड यूज कर सकते हैं। प्रसिद्ध फेमस के लिए आप इलस्ट्रियस वर्ड यूज कर सकते हैं। इंसिस्ट जोर देना के लिए आप इम्पोर्ट्यून वर्ड यूज कर सकते हैं। शेमलेस गुस्ताख के लिए आप इम्पूडेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। इनकन्वीनियंट यानी कि असुविधाजनक के लिए आप इनकॉमेंडियस वर्ड यूज कर सकते हैं। डायलेमा दुविधा के लिए आप प्लाइट वर्ड यूज कर सकते हैं। कोरोबरेट यानी कि पुष्टि करना के लिए आप रेटिफाई वर्ड यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रावेजेंट यानी कि अत्याधिक के लिए आप एक्सोर्बिटेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। ब्रेक यानी कि टूटना तोड़ देना के लिए आप रैप्चर वर्ड यूज कर सकते हैं। और एक्सेस यानी कि अधिकतम या फिर अधिकता बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो तो उसके लिए आप प्लेथोरा वर्ड यूज कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द फन फैक्ट या फिर आज का ज्ञान। तो यहाँ पर है यूरोपियन यूनियन और 56 कंट्रीज यहाँ पर मिले थे CCPI के ऊपर यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के रिगार्डिंग। ये जो बात हो रही है COP24 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 24 में हुई थी यहाँ पर 2018 के अंदर, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसके अंदर इंडिया का रैंक 11th रहा है। पिछले साल जो था उससे हमने 3 प्लेस इम्प्रूव किए हैं। यहाँ पर जो है रिपोर्ट्स के अंदर कुछ कॉल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की गई है कि अगर इंडिया को और भी अच्छा परफॉर्म करना है तो कॉल प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर काम करना होगा। 4th स्पॉट पर यहाँ पर स्वीडन है। 5th स्पॉट के ऊपर यहाँ पर मोरक्को है। और 2019 का जो CCPI आएगा अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ 24th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट ग्लोबल वार्मिंग इन कैटोवाइस पोलैंड, तो यहाँ पर जो है डिजाइन किया जाएगा टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी के ऊपर। अब यहाँ पर जो है जो एम है इज टू पुट पॉलिटिकल एंड सोशल प्रेशर ऑन दोज कंट्रीज विच हैव अप टिल नाउ फेल्ड टू टेक एम्बिशियस एक्शन ऑन क्लाइमेट प्रोटेक्शन। इट आल्सो एम्स टू हाईलाइट दोज कंट्रीज विद बेस्ट प्रैक्टिस क्लाइमेट पॉलिसी। अब दूसरा जो है वो है माउंटेन्स के रिगार्डिंग। रिसेंटली यहाँ पर 11 दिसंबर को पूरे विश्व ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल माउंटेन डे। अब ये जो है वर्ल्ड माउंटेन एनवायरमेंट्स एंड द पीपल एंड द कल्चर दैट इनहेबिटेड धेम के लिए मनाया जाता है। इसके अवेयरनेस के रिगार्डिंग यहाँ पर बात होती है। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होती है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन टू लाइफ टू हाईलाइट द अपॉर्चुनिटी एंड कॉन्स्ट्रेन इन माउंटेन डेवलपमेंट एंड to bring alliance that will bring positive change to mountain peoples and environments around the world। अब यहाँ पर जो 2018 की थीम थी वो आपको याद रखनी है #mountainsmatters या फिर आप कह सकते हैं माउंटेन्स मैटर्स वॉज द थीम फॉर 2018 इंटरनेशनल माउंटेन डे। इट इज टू क्रिएट a large social movement that can bring mountain issues on the table of the politicians। तो विश्व के अंदर बहुत सारे mountains हैं और भारत जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि mountains का घर है। यहाँ पर हिमालय और काफी अलग अलग mountain range है इंडिया के अंदर। आप हमारे YouTube channel के अंदर जो है playlist के अंदर mountains की पूरी सीरीज देख सकते हैं। उसमें वर्ल्ड के सारे माउंटेन्स की सारी जानकारी जो एग्जाम के ऊपर से महत्वपूर्ण होगी रिगार्ड्स टू स्टैटिस्टिक्स डेटास इंफॉर्मेशन, तो आपको सारी चीजें यहां पर जो है मिल जाएगी। 5-7 मिनट के छोटे छोटे वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये जो है श्रीलंका के अंदर मीडिया की एक बैठक हुई थी उसकी तस्वीर अभी आपने देखी। राजपक्षा जो है उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है मैत्रीपाला श्रीसेना तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर पॉइंट आया है कि उन्होंने जो पूरी कंट्रोवर्सी शुरू की थी उसका जो है फाइनली रिजोल्यूशन
आ चुका है। तो अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आप मैं यहाँ पर एक आपको शॉर्ट में भी बात बता रहा हूँ, और दूसरी बात यहाँ पर आपको हमारे प्लेलिस्ट के अंदर से श्रीलंका के अंदर क्या घटनाएं घटी है सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से मिल सकती है छोटे छोटे वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। अब श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सिरीसेना, मैत्रीपाला सिरीसेना। अब यहाँ पर जो सरकार बनते वक्त लोगों ने जिनको यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट किया था वो थे रानिल विक्रम सिंह। उनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था मिस्टर राजपक्षा। तो यहाँ पर जो पूरी कंट्रोवर्सी है महिंद्रा राजपक्षा। तो यहाँ पर जो पूरी कंट्रोवर्सी हो ये है कि प्रेसिडेंट ने एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर को हटा के जो पुराने वाले प्राइम मिनिस्टर है उनको यहाँ पर फिर से प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया। तो इन लोगों के यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है। दूसरी ये सारी जो घटना है ये अक्टूबर 26 2018 की है। अब यहाँ पर जो है फिर जो है पार्लियामेंट बैठने वाली थी, तो पार्लियामेंट यहाँ पर जो है वोटिंग करेगी। तो वोटिंग के अंदर 225 मेंबर है यहाँ पर इनकी पार्लियामेंट के अंदर। तो सभी लोगों में से मेजोरिटी लोगों ने जो है वो राजपक्षा को अपना पीएम नहीं माना, और यहाँ पर उन्होंने डिमांड की वी वॉन्ट रानिल विक्रम सिंह एज द मेंबर। अब ये जो पूरी घटना हो रही थी उसके अंदर राजपक्षा प्रेजेंट भी नहीं हुए, पहले से ही वोट डालने से पहले से ये चले गए। और यहाँ पर इसी बीच जो है वो पार्लियामेंट को भी कुछ दिनों के लिए खंडित कर दिया गया था। बाद में जैसे पार्लियामेंट मिलती है, वोटिंग होती है, राजपक्षा को कोई अपना पीएम नहीं मानता है, उसके बाद देखा गया कि एवरीबॉडी वांट्स रानिल विक्रम सिंह एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन। अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट जो है वो जिद पे अड़े थे कि मुझे रानिल विक्रम सिंह जो है वो नहीं चाहिए एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पर जो है कंट्रोवर्सीज चलती है और राजपक्षा को फोर्सफुली होल्ड करवाया जाता है ऑफिस को, कोई उनकी बात मानता नहीं है। पार्लियामेंट भी जो है इसके बारे में बहुत सारी टीका टिप्पणियां होती रहती है। फिर जो है आगे आने वाले समय के अंदर मामला जो है वो कोर्ट के अंदर जाता है, कंट्री की कोर्ट के अंदर अपील पहुंचती है क्वो वारंटो की राजपक्षा को यहाँ से हटा दिया जाए। तो एक इंटरिम ऑर्डर आता है, कोर्ट जो है वो कहती है कि प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्ट किए गए हैं उनको आप हटा के जो है नए या फिर पुराने वाले को यहाँ पर फिर से प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते, ये प्रेसिडेंट के पास अधिकार नहीं है। अब प्रेसिडेंट जो है वो ये कहते हैं कि मैं अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूटिलाइज करते हुए ये सारी चीजें कर रहा हूँ और ये बहुत ही सही है। अब यहाँ पर फर्स्ट 4.5 ईयर की जो लेजिस्लेचर टर्म है उसके मुताबिक यहाँ पर रानिल विक्रम सिंघे ही होने चाहिए। इवन जो प्रेसिडेंट है श्री सेना वो ये कहते हैं कि अगर पूरी पार्लियामेंट के 225 के 225 मेंबर भी अगर ये कहते हैं कि हमें रानिल विक्रम सिंघे प्राइम मिनिस्टर चाहिए तो भी मैं मानूंगा नहीं, तो यहाँ पर जो है पार्लियामेंट की जो पूरी स्टाइल है जिन लोगों की कि उनको चाहिए रानिल विक्रम सिंघे, तो कोर्ट जो है वो कहती है कि जो पार्लियामेंट कहेगी और जो लोगों के द्वारा चुने गए लोग पार्लियामेंट में आए और वो लोग जो डिसाइड करेंगे वही होगा, नॉट कि प्रेसिडेंट की मर्जी क्या है, प्रेसिडेंट क्या चाहते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो है रानिल विक्रम सिंघे फिर से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और यहाँ पर जो पूरी कॉन्ट्रोवर्सी थी पीएम और पुराने पीएम और नए पीएम के बीच में बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, तो यहाँ पर सारी चीजों का यहाँ पर सफलतापूर्वक अंत आ चुका है। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से एक बचकानी हरकत जो है आप अगर इंटरनेशनल रिलेशन के व्यू पॉइंट से देखें तो ये पूरी की पूरी जो है बचकानी हरकत है। अगर आप किसी नेशन के अंदर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर है और आप अपने पावर्स को जो है एक सही मायनों के अंदर एक सही रीत के अंदर यूटिलाइज नहीं कर पाते हो और ऐसी छोटी छोटी आपकी एक्टिविटीज जो आपके डिस्क्रिशनरी पावर में ना हो और वो आप कर बैठते हो और फिर बाद में जो है वो किसी बॉडी या फिर जो है आप कोर्ट कहे उसको आके आपको बताना पड़ता है कि आप ये चीजें जो है वो कर सकते और ये चीजें नहीं कर सकते, ये जो है काफी बचकानी हरकत मानी जाती है व्हेन इट कम्स टू दैट अपर मोस्ट लेवल। अगर आप किसी नेशन के अंदर इतनी ऊंची पोस्ट के ऊपर जो है वो सर्व कर रहे हैं तो
तो यहाँ पर जो है मीडिया के अंदर और अलग अलग जो है आर्टिकल्स में ये भी प्रकाशित हुआ था कि भाई ऐसा हुआ तो हुआ क्यों है, पहले इसके पीछे का रहस्य क्या है, लेकिन ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। अब ये जो है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग दूसरा आर्टिकल है, यहाँ पर 17 महीने कि यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन की बात हो रही है, तो ये ड्रॉप हुआ है 2.33% यहाँ पर नवंबर के अंदर, एज कम्पेयर टू अक्टूबर में 3.31% रहा करता था। फूड प्राइस जो है ये 6.96% यहाँ पर कम हुए है, और ओवरऑल यहाँ पर देखें तो -2.61 इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है। अब यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, ये इन्फ्लेशन का गिरना ये एक पॉइंट है, यानी कि एक कम होना होता है। दूसरा जो है वो होता है इन्फ्लेशन का ऑपोजिट हो जाना, यानी कि डिफ्लेशन हो जाना। तो फॉल इन इन्फ्लेशन इज ऑब्वियसली गुड न्यूज फॉर कंज्यूमर, और यहाँ पर स्पेसिफिकली अर्बन इंडिया की बात हो रही है। अब यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी यहाँ पर बात आएगी कि इंटरेस्ट रेट जो है उसके रिगार्डिंग, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, अगस्त में बढ़ाए थे, अक्टूबर में, और यहाँ पर जो दिसंबर है उसके अंदर अपने इंटरेस्ट रेट में अंदर कोई चेंज नहीं किया था। फार्मर्स की अगर बात करें तो फार्मर्स को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और काफी पॉलिटिकल पार्टीज जो रीजनली बैकअप स्ट्रांग है, वो अपने अपने तरीके से यहाँ पर इन लोगों को प्रमोट कर रही है एमएसपी के रिगार्डिंग, लेकिन फार्मर्स को जो है यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। और उनको चाहिए लोन वेवर, और सभी पार्टीज जो है कितना ज्यादा लोन वेवर दे सकती है इसी की चीज के ऊपर अपनी एडवर्टीजमेंट और यहाँ पर जो है लोगों तक तो पहुंचने की कोशिश कर रही है। फार्मर्स की जो आय है वो काफी कम है, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कई प्रोडक्ट्स को इसके अंदर इंक्लूड करने वाले है और किसी के अंदर रेट बढ़ाने वाले है, लेकिन फार्मर्स को इसके सही मायनों में फायदे नहीं मिलते। एमएसपी के रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो आप हमारी पेज के पर देख सकते हैं, जिनके अंदर कुछ डेटा ये प्रकाशित करके कहते हैं कि भाई 6% ही फार्मर्स जो है वो एमएसपी और उसके कैलकुलेशन और मेथड से खुश है, बाकी के जो 94% फार्मर्स है वो कहीं पर भी ये एमएसपी वाले सिस्टम का फायदा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, और ये सारी चीजें जो है किताबी और पन्नों के अंदर ही दर्ज है, रियलिटी के अंदर इसके कोई फायदे नहीं है। तो रियली इन्फ्लेशन का कम होना, ये वाली जो सिचुएशन ये अभी डिप्रेशन को डिपिक्ट करती है, और फार्मर्स जो है वो काफी ज्यादा समस्या के अंदर है। तो देखते हैं कि ये जो इन्फ्लेशनरी रेट कम हुआ है ये अर्बन इंडिया के लिए अच्छा है, लेकिन रूरल एरिया का जो यहाँ पर प्रभाव होने वाला है और अगले साल इलेक्शन होने वाले है तो क्या कुछ नया निकल के आता है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है आर्टिकल्स में इतना ही है। पिछले एडिटोरियल में हमने आपसे पूछा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर का नाम क्या है, शक्तिकांत दास इज द करेक्ट आंसर, और आज का जो प्रश्न है वो ये कहता है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर ऑफ यूपीएससी शैल बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 315, आर्टिकल 318, आर्टिकल 320, आर्टिकल 316। तो कमेंट सेक्शन के अंदर सही जवाब बिल्कुल से दीजिए। अगर आपको वीडियो कंटेंट एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे नोटिफिकेशन स्क्वाड के अंदर इंक्लूड हो जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, स्वदेशी जरूर से अपनाइएगा।